आज मैं अपने पति के मरने का जश्न मना रही थी। वो अब इस दुनिया में नहीं था। आखिर मैं अपने पति के मरने पर ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि मेरा पति बहुत शकी इंसान था। वो मुझे पर शक करता था। पर एक दिन अचानक मेरे पति के मरने के बाद मुझे अपने कमरे में कुछ ऐसी चीज दिखी कि उसे देखकर तो मेरी चीख निकल गई। मैं अपने पति के रोका टोकी से अब तंग आ चुकी थी। मैं उससे दूर जाना चाहती थी, पर जो ही मुझे उसके मरने की खबर मिली तो मैंने सुकून भरी एक गहरी सांस ली। उसके मरने की खबर सुनकर आस पड़ोस के लोग मुझे सांत्वना देने आए, पर मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकल रहे थे। मुझे इस तरह देख लोगों ने कहा, लगता है इसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। पति के मरने के कुछ दिन बाद मैं बाहर निकली और अपने सारे शौक पूरे किए। मेरे घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। मेरे पति के नाम ढेर सारी प्रॉपर्टी थी जो उसके मरने के बाद अब मेरी हो गई थी। कहते हैं ना कि जब कोई रोका टोकी करने वाला ना हो और इंसान के पास ढेर सारे पैसे हो तो वो अपनी खुशी के लिए किस हद तक जा सकता है। मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। पर कुछ दिन बाद मुझे कमरे में अपने पति की एक डायरी मिली। उसे पढ़कर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, बल्कि यूं कहें कि मैं टूटकर चकनाचूर हो गई और खूब रोई। मेरी और मेरे पति आशुतोष की शादी लव मैरिज थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते। अपने प्यार की खबर जब मैंने अपने घर वालों को दी तो मेरे घर वाले आशुतोष से मेरी शादी करने को तैयार नहीं हुए। मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वो नहीं माने, क्योंकि मेरे पापा ने मेरी शादी दूसरी जगह तय कर दी थी। पर मैं वहाँ पर शादी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ और सिर्फ आशुतोष से शादी करना चाहती थी। जब मेरे घर वाले मेरी शादी आशुतोष से करने को तैयार नहीं हुए तो एक दिन मैं रात के अंधेरे में आशुतोष के साथ उसके घर चली आई। उसके घर पर उसकी माँ थी, क्योंकि बहुत अच्छी थी। मुझे उन्होंने मुझे बहुत समझाया, कहा बेटी इस तरह अपने माँ बाप का घर छोड़कर नहीं आते। पर मैंने कहा, नहीं माँ जी, मैं जब शादी करूँगी तो आशुतोष से ही करूँगी, इसलिए आप भी मेरे मम्मी पापा की तरह इस शादी का विरोध न करें और हम दोनों की शादी करवा दे। वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमारी बातों पर गौर किया और जल्दबाजी में हम दोनों की शादी एक मंदिर में करवा दी। आशुतोष से शादी के बाद मेरे घर वालों ने मुझसे अपना नाश्ता रिश्ता तोड़ दिया। शादी के बाद आशुतोष के घर पर मैं बहुत खुश थी। आशुतोष मेरी ख्वाहिश पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं बहुत खुश थी। मुझे दुख था तो बस इस बात का कि मेरे घर वाले आज अगर मुझे समझे होते मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता। पर अब जो होना था वो हो गया था। जब इंसान खुश होता तो वो दिन प्रतिदिन निखारता जाता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। शादी के बाद मेरी खूबसूरती और गई। मैं दिन प्रतिदिन निकलने लगी और पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखती। अगर किसी की नजर मेरे चेहरे पर पड़ जाती तो वो दोबारा मुझे मुड़कर जरूर देखता। शादी के महीने बाद तो मेरी जिंदगी बहुत सुकून से गुजरी, पर शादी के 6 महीने बाद मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसने मेरी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। एक दिन अचानक मुझे चक्कर आया और मैं गिरकर बेहोश हो गई। जब होश आया तो हॉस्पिटल में थी। मेरे सामने मेरे पति आशुतोष बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, आशुतोष मुझे हुआ क्या है? दबे शब्दों में आशुतोष ने कहा, मानसी तुम माँ बनने वाली थी, पर जब तुम्हें हॉस्पिटल लाया गया, चेकअप के बाद पता चला कि तुम्हारी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं, इसलिए मजबूरन बच्चे का अबॉर्शन करवाना पड़ा। अभी 1-2 दिन हम हॉस्पिटल में रहेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। आशुतोष की बातों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं उनसे कुछ ज्यादा पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि चेहरे से वो कुछ परेशान दिख रहे थे। 1-2 दिन बाद हम अस्पताल से घर आए। अस्पताल से घर आने के बाद मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। आशुतोष मुझे बिस्तर से भी उठने नहीं देते, बल्कि यूं कहें कि कई दिनों तक वो मुझे घर से बाहर जाने नहीं दिए। इन्हीं बीच अचानक मेरी सासू माँ स्वर्ग से धार गई। ये हादसा भी आशुतोष सर मेरी जिंदगी में कुछ काम नहीं था। वैसे ही मैं घर में रह रह कर बोर हो रही थी। सासू माँ के गुजरने के बाद मेरी बोरियत और बढ़ गई। मैं हर वक्त अपने आप को अकेला महसूस करती और जब मैं आशुतोष से बाहर जाने की जिद करती तो आशुतोष मुझे डांट देते और कहते, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आराम की जरूरत है,
तुम घर में ही रहा करो, तुम बाहर जब निकलती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। शादी के अचानक 6 महीने बाद आशुतोष का ये बर्ताव देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं मन ही मन परेशान होती कि आखिर आशुतोष को हो क्या गया है, ये तो पहले ऐसे नहीं थे। आशुतोष दिन प्रतिदिन मेरे ऊपर बंदी से लगाया करते और रात में सोने से पहले वो मुझे अपने हाथों से एक गिलास दूध जरूर देते, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी नींद आ जाती और मैं सो जाती। आशुतोष का ये बर्ताव अब मुझे शक की तरफ खींच रहा था कि कुछ तो बात है, आखिर आशुतोष मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक दिन इसी बात को लेकर मेरा और आशुतोष का बहुत बड़ा बहस हो गया। मैंने आशुतोष से कहा, आशुतोष तुम्हें पता है कि मैं शादी के पहले कैसी जिंदगी जीती थी। मेरा शौक है घूमना फिरना और बाहर खाना खाना, पर तुम्हारे साथ शादी करके तो मेरे सारे शौक मिट्टी में मिल गए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी रूप है। जब तुम्हें पता था कि मैं शुरू से ही ऐसी हूँ तो अब तुम मेरे ऊपर क्यों रोक क्यों कर रहे हो। आशुतोष ने कहा, मानसी पहले की बात और थी, पर अब बात कुछ और है, क्योंकि तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो। इस बात पर मैंने कहा, क्यों, मैं पहले इज्जतदार घर की नहीं थी क्या। इस बात पर गुस्से में आशुतोष ने कहा, मानसी तुम थी इज्जतदार घर की, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, पर क्या तुमने अपने घर की इज्जत का मान रखा। मानसी मैं तुमसे ये सब कहकर बहस नहीं करना चाहता, प्लीज भगवान के लिए मेरी बात मान जाओ और घर के अंदर रहो, शायद इसी में तुम्हारी भलाई है। आशुतोष के इस बात से मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे आशुतोष की बातें कांटों की तरह चुभ रही थी कि जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, इसके प्यार की खातिर मैंने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया, आज उसने मुझे ताने दिए। और यह सब कहकर आशुतोष ऑफिस चला गया। आशुतोष ऑफिस तो चला गया था, पर मैं घर में बैठकर खूब रो रही थी और मन ही मन सोच रही थी, आशुतोष के साथ शादी करने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। मैं यही सब सोचकर रो रही थी, तभी अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। जब मैंने फोन उठाया तो मेरे कानों में आवाज आई कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना होगा। अपने पति के की खबर सुनकर मैंने लंबी गहरी सांस ली और जल्दी से हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाते ही मुझे पता चला कि आशुतोष ने अपना दम तोड़ दिया है। आशुतोष के मरने की खबर सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुई, क्योंकि इस इंसान की वजह से मेरी जिंदगी नरक से भी बदतर बन चुकी थी। ये मुझे घर में बंद करके रखता, चलो अच्छा हुआ कि मर गया, अब मैं आजाद जिंदगी जीऊंगी और खुश रहूंगी। आशुतोष के मरने के बाद मैंने अपने बहुत सारे शौक पूरे किए। आशुतोष के मरने के बाद मैं बहुत खुश थी, पर एक दिन अचानक मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल उसी हॉस्पिटल से थी जिस हॉस्पिटल में मैं कुछ दिन पहले एडमिट थी। जब मैंने फोन उठाया तो मुझे बताया गया, मैडम आपकी दोनों किडनियां डैमेज हो गई है, ये बात आपके पति ने आपसे छुपा कर रखी थी, पर आपके पति की मौत की खबर सुनकर मुझे मजबूरन आपको ये बात बतानी पड़ रही है। आपको किडनी डोनर नहीं मिल रहे थे, इसलिए आपके पति ने अपनी एक किडनी और कुछ पैसे हमारे हॉस्पिटल में जमा करवा दिए थे। कुछ पैसे कम थे, आपके पति ने कहा था कि हम 1-2 दिनों में जमा कर देंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होता, पर जब वो इस दुनिया में नहीं है तो मजबूरन आपको ये बताना पड़ा है। आप हॉस्पिटल आकर अपना ऑपरेशन करवा सकती हैं। हॉस्पिटल वालों की बात सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, मैं फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई और जब होश आया तो फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल जाने के लिए कुछ कागजात ढूंढ रही थी तो उसी कागजात में आशुतोष की मुझे एक डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, मेरी प्यारी पत्नी मानसी, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। जब उस दिन अचानक तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो तुम प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि डॉक्टर ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया कि तुम्हारी दोनों किडनी डैमेज हो गई है और जल्द से जल्द मुझे किसी किडनी डोनर का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैंने काफी दिनों तक किडनी डोनर के बारे में पता लगाया, पर तुम्हारी किडनी किसी की किडनी से मैच नहीं हो रही थी, इसलिए एक दिन मैंने अपनी किडनी का चेकअप करवाया तो पता चला कि मेरी किडनी तुम्हारी किडनी से मैच हो रही है, इसलिए तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे अपनी एक किडनी तुम्हें देनी पड़ रही है। और यह सब मैं तुमसे इसलिए छुपा रहा हूँ क्योंकि यह सब के बाद शायद तुम मुझे ऐसा ना करने दो,
क्योंकि तुम भी तो मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं, और डॉक्टर ने तुम्हें बाहर का खाना खाने से मना किया है, इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने देता, और मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ सख्ती बरतनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत जिद्दी हो, और जब मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगा तो तुम मेरी हर बात मानोगी और तुम्हें मुझ पर शक भी नहीं होगा। तुम्हारे ऑपरेशन में काफी पैसों की जरूरत है, कुछ पैसों का इंतजाम हो गया है, पर अभी भी कुछ पैसे जमा करवाने बाकी है, उसी के इंतजाम में लगा हुआ हूँ। जब इंतजाम हो जाएगा तो तुम्हारा ऑपरेशन मैं जल्द से जल्द करवा दूंगा, और उसके बाद ये सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा, और यह सब मैं डायरी में इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाने के बाद ये डायरी मैं तुम्हें दिखा सकूं कि तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आना मेरे लिए कितना मुश्किल पड़ रहा है। मैं तुम्हें डांट कर पल पल रोता हूँ, मैं अपने मन की बातें किसी को बता नहीं पा रहा था, इसलिए मजबूरन मैं इस डायरी में लिख रहा हूँ। आशुतोष की यह डायरी पढ़ने के बाद मेरे आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे। मैं फूट फूट कर बहुत रो रही थी और मन ही मन में आशुतोष से माफी भी मांग रही थी कि आशुतोष मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। ये सब होने के बाद मैंने ये डायरी अपने मम्मी पापा को पढ़ाया, वो लोग भी बहुत रोए और उन्होंने मुझे अपना लिया। मेरा किडनी का ऑपरेशन हो गया है, आज मैं अपने अंदर आशुतोष को महसूस करती हूँ। मेरे मम्मी पापा मेरी दूसरी शादी की बात करते पर मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि आशुतोष जैसा जीवन साथी शायद ही मेरी जिंदगी में दोबारा मिले। दोस्तों, ऐसी ही औसम कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल औसम कहानियाँ को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।